27 मई को दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों के लिए सक्षम अलवर के तहत शिविर लगाया जाएगा, जिसको लेकर नगर परिषद सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और SDM प्यारेलाल सोठवाल सहित बड़ी संख्या में नगर परिषद क्षेत्र के पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान SDM प्यारेलाल ने बताया कि सक्षम अलवर के तहत 27 मई को नगर परिषद क्षेत्र में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित पार्षदों को अवगत करा दिया गया। वहीं उन्हें बता भी दिया गया है कि किस तरह की योजनाएं सरकार ने वृद्धजन और दिव्यांगजनों के लिए लाई है। आज सक्षम अलवर अभियान के दौरान जो 27 तारीख को नगर परिषद क्षेत्र में कैंप लगाया जाने वाला है, उसकी तैयारियों बाबत नगर परिषद में मीटिंग रखी गई। सभी पार्षदों को प्रावधानों से अवगत कराया गया, जिसमें दिव्यांगों एवं वृद्धजनों के लिए जो सुविधाएं और योजनाएं कैंप के दौरान प्रदान की जाएंगी, उनके बारे में नियमों से अवगत कराया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बुधवार को शहर के नवापुरा क्षेत्र स्थित सामुदायिक भवन में नगर परिषद की ओर से शिविर आयोजित किया गया, जहां नगर परिषद की कार्यशैली को लेकर पार्षद घनश्याम सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण में किसी तरह का कार्य नहीं हो पा रहा। यहाँ लोग कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी समस्या का समाधान होता है और ना ही उन्हें पता मिल पा रहा है। वहीं पार्षद ने सीधा आरोप लगाया कि पटवारी के रिपोर्ट के लिए लंबे समय से फाइलें तहसील में अटकी हुई है, वहीं जब कई दिन तक चक्कर लगाते हैं तो उसके बाद पटवारी ऑफिस में बैठे बैठे ही रिपोर्ट कर देता है। ऐसे में जिला प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप पार्षद ने लगाया है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से पूछा गया तो उनका कहना था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लंबित पट्टों का वितरण किया जा रहा है, महीने आवेदन भी दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी लंबित फाइलें थी उन्हें तहसील से मंगाकर पट्टे जारी किए जा रहे हैं, ताकि किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही संबंधित पार्षदों के हाथों से ही यह पट्टे दिलवाए जा रहे हैं। वहीं जहां तक पटवारी की रिपोर्ट की बात है तो करीब 500 वाले पटवारी के पास लंबित पड़ी हुई है। कैंप जिन जिन क्षेत्रों में लग रहे हैं उन क्षेत्रों के वो अपने अपने क्षेत्रों के पट्टों का वितरण कर रहे हैं। जो पट्टे पटवारी के यहां से कंप्लीट होकर आगे और उनपे यहाँ एम्पायर कमेटी ने उनमें साइन कर दिए, उन सभी को वितरण के लिए उन कैंपों में भेज दिया। और जैसे जैसे कैंप आगे और जगह लगने उनके पट्टे भी तैयार कराएं। आज मैंने SDM साहब को भी कहा है कि पटवारी के स्तर पर जो बहुत ज़्यादा फाइलें पेंडिंग हैं उन सब फाइलों को भी पटवारी को कहते हुए कि उन पर जल्दी जल्दी उन पर रिपोर्ट करके नगर परिषद को भेज दी जाए, ताकि आम जन को पट्टे मिल सके। और एक अभी जो यहाँ दिव्यांग जन का अभी जो वहाँ पे समस्या देखी जा रही है, ये प्रशासन शहरों की और जो नगर परिषद की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा किसी भी आमजन को नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि पट्टों का वितरण का सवाल है, पट्टों के वितरण में ऐसा हो रहा है कि यहाँ से SDM साहब के पास फाइलें जाती है, फाइलें जाती है फिर SDM साहब के पास से तहसील, और तहसील में पटवारियाँ फाइलों को दबा के बैठे हुए हैं। एक आदमी 10 चक्कर काटता है, जब उसके 11 चक्कर में वो फाइल सोते ही उससे वहीं बैठे बैठे ना कि मौके पे आकर वो फाइल को करके नहीं दे देते हैं। अब इसका पता नहीं कि वो फाइलों को वहाँ से स्पॉट देख लेते हैं या कोई सुविधा शुल्क का मामला है, ये मैं इस बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत भी हो सकती है। जब एक पटवारी सीट पर से उठ के नहीं मौके पर नहीं आता है और तहसील में बैठा बैठा रिपोर्ट कर देता है कि तुम्हारी बारानी उत्तम है, तुम्हारी रहवाइसी है, तुम्हारे ताला भी है, तो इससे क्या मतलब है। और अगर आज नगर परिषद प्रशासन जब से घनश्याम गुर्जर जी आए सभापति बनकर तब से इस नगर परिषद में काम पूरे बहुत सही ढंग से हो रहे हैं, लेकिन पट्टों के मामले में आज नगर परिषद अलवर राजस्थान में टॉप पे होती है अगर पटवारियां साथ देते और पटवारियां मौके पे जाकर फाइलों को देखते और बिना भेदभाव के फाइलों को देते करके देते तो आज तक कम से कम नहीं तो सारे पट्टों का वितरण शहर में हो चुका होता। वहाँ पर क्या व्यवस्था देखी जा रही है, जो पब्लिक परेशान हो रही है, उनको समय पर पट्टा नहीं मिल रहा है और क्या नाम है, पब्लिक को बहुत शिकायत है, क्या कहना चाहूँगा इसमें। वहाँ पे प्रशासन शहरों की और में तरह तरह के बोर्ड लगा रखे, बिजली विभाग,
नल विभाग, लेखा विभाग, आयुक्त महोदय की सीट, सभापति महोदय की सीट और अन्य की सीट, कम से कम है तो 40 कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं और 40 कर्मचारियों में से मात्र 8-10 कर्मचारी वहाँ पे मौजूद मिलते हैं, फोर्थ क्लास मिलते हैं या फिर कोई एक दो बाबू मिलते हैं। मेरे वार्ड में कैंप लगा था, मैंने 3 दिन तक सभी कर्मचारियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की थी, मगर मैंने 40 आदमियों को नाश्ता मंगाया था, मेरे नाश्ता करने वाले मात्र 6 आदमी थे। अब बताइए वो 6 आदमी क्या करेंगे, और जो भी वहाँ पे आते हैं, आते थे अपने पट्टों के लिए, उसमें भी श्री घनश्याम गुर्जर जी से कह के उन फाइलों को मंगवाया है और फिर साहब के दस्तखत कराए हैं और आयुक्त साहब के दस्तखत कराने में नगर परिषद आया हूँ और फिर जाके नहीं रघुवीर शरण भार्गव को पट्टा दिया गया है, क्या नाम से पंकज की मम्मी को पट्टा दिया गया है, यानी कि वहाँ कैंप में जाओ दस्तखत वहाँ होंगे, उसके वहाँ होंगे,